किसी भी राष्ट्र का संरक्षण केवल राजनीतिक तरीके से नहीं होता। राजनीतिक संरक्षण पूर्ण अस्थायित्व नहीं दे सकता जब तक सांस्कृतिक संरक्षण हो। छत्रपति शिवाजी के दरबार में कवि थे भूषण कवि। जब वो महाराजा छत्रसाल जी की समीपता में आए तो उन्होंने उनकी प्रशस्ति में कहा था कि छत्ता न होते तो सुन्नत हो सकती। ये सही है। महाराजा छत्रसाल जी पर प्राणनाथ जी की कृपा रही जिसे उन्होंने 52 युद्ध में औरंगजेब को हराया। उधर गुरु गोविंद सिंह ने भी अपना राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया, धार्मिक संरक्षण प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जो भारतीय संस्कृति की जो सबलता है जिसका मूल आधार क्या है वो है वेद। हमारी संस्कृत आंतरिक रूप से कमजोर थी। राजनीतिक संरक्षण कितने समय तक चलता और उसी का परिणाम यह है कि जब अंग्रेजों का पेशवाओं से युद्ध हो रहा था तो महार जात के जो दलित थे उन्होंने वो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे और जिनकी बहादुरी के कारण अंग्रेजों की विजय हुई। यदि अंग्रेज विजयी नहीं होते तो शायद भारत के इतिहास कुछ और होता। लेकिन इसका कारण क्या था? तलवारों के बल से केवल राष्ट्र की रक्षा नहीं होती। वेद क्या है? भारतीय संस्कृति की आत्मा है, भारत की आत्मा है वेद। और जब से सृष्टि पैदा हुई है, इस सृष्टि को पैदा हुए 1,96,08,53,123 वर्ष हो चुके। 7वां मन्वंतर चल रहा है और आपको आश्चर्य होगा कि मनुष्य लेकर युधिष्ठिर तक सारे चक्रवर्ती सम्राट भारत में हुए। लेकिन आज क्या कारण है कि जिस भारत ने सृष्टि के सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को दिया आज वो हजार वर्षों तक दलित रहा। कभी किसी ने इस पर गहराई से चिंतन नहीं किया। आप देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा राज्य की नींव डाली थी 1761 ईस्वी के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों उनकी हार होती है मराठों की। और इस हार का कारण क्या था? भरतपुर के जाट राजा का अलग हो जाना। ये कमजोरी मराठों को जगह जगह पर आती रहती है। आप देखेंगे कि अभी आपने बताया था कि किस समय 1857 के गदर में स्थिति देश विखंडित हो रहा था। 1857 की हार का जो प्रमुख कारण था हमारी सांस्कृतिक कमजोरी। संस्कृत का अर्थ होता है अलंकरण, जिससे अलंकार हो। हमारा श्रृंगार किससे होता है? संस्कृत से होता है। संस्कृत क्या है? धर्म के आदर्शों का पालन ही हमारी संस्कृति है। धर्म का मूल क्या है? वेदो अखिलो धर्म मूल। हमारे भारतीय जनमानस ने वेद को किनारे कर दिया। हमारे देश में कौमुदी पढ़ाई जाती रही, भागवत पढ़ते रहे, देवी भागवत की कथाएं होती रही, रामचरितमानस की कथाएं होती रही, लेकिन वेद को सबने छोड़ दिया। और इसी का दुष्परिणाम है कि सत्य को किसी ने नहीं जाना। आज हम महर्षि दयानंद जी के 200वीं जन्मतिथि पर ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे देश ने उनका सही मूल्यांकन नहीं किया। अभी मैंने कहा था कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म के मूल क्या है? वेद। महाभारत काल के पश्चात जो वेद के अर्थ का अनर्थ हुआ उसके परिणाम स्वरूप वामार्गिक मतों का प्रचलन हुआ, वैदिक सिद्धांतों की अवहेलना हुई, देश धर्म के नाम पर विकृतियों में फंस गया। आज स्थिति क्या है? 1000 पंथ और 1200 जातियां, सभी जातियां आपस में लड़ रही हैं। हर पंथ कह रहा है कि केवल मेरी ही विचारधारा सत्य है, दूसरों की विचारधारा गलत है। महर्षि दयानंद ने वेदार्थ की कुंजी खोजी थी। हम दयानंद जी का मूल्यांकन एक वेद के विद्वान के रूप में करते हैं जिसने स्त्रियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी, रुद्रों का उद्धार किया, ये तो सामान्य सी बातें हैं। लेकिन यदि किसी, आप कल्पना कीजिए, इस्लामिक जगत का आधार क्या है? कुरान। क्रिश्चियन देशों का मूल तत्व क्या है? बाइबिल। यदि उनसे बाइबल कुरान हटा दीजिए तो उनका अस्तित्व क्या रहेगा? लेकिन आज का भारतीय जनमानस जो अपने को स्वयंभू तथा कथित सनातनी कहता है, हिंदू कहता है, वो स्वयं वेद की गरिमा से परिचित नहीं है। आप देखिए, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारे चौहान जी ने कहा कि योगी जी ने 12 महाविद्यालय खोलने की बात कही है। महाविद्यालय खोलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन महाविद्यालयों में यदि केवल लौकिक संस्कृति पढ़ाई जाती है, काव्य और अलंकार ही पढ़ाया जाता है, तो उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। वास्तविकता क्या है?
एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बताता हूँ, तब हमें समझ में आएगा कि दयानंद जी की इस देश को देन क्या है। महमूद गजनवी आक्रमण करता है और 50,000 लोग अपनी गर्दन रोते रोते महमूद गजनवी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कोई विरोध का भाव नहीं है क्योंकि किसी के पास आत्मबल नहीं है। सब लोग सोचते थे कि ये शिवलिंग है वही साक्षात परमात्मा है। वेद क्या शिक्षा देते हैं? वेद कहते हैं अयम मैं हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ही भगवान है। अयम मैं भगवत तरह, अयम मैं हस्तो विश्व भेजो, अयम शिव अभिवर्षना, यह मेरा हाथ ही विश्व की औषधि है। ये उद्दात विचार कहाँ से? किसी ग्रंथ में नहीं आ सकते हैं। वेद कौन है? वेद के रचनाकार कोई मानव नहीं। गीता पढ़ने वाले जानते हैं कि वेद 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 ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वेद का कर्ता ब्रह्म है। जो ईश्वरी वाणी है उसकी अवहेलना करके आज 1000 पंथ खड़े हो गए हैं। हमारा देश सांस्कृतिक पराधीनता में कम से कम 5000 वर्षों से जी रहा है। 5000 वर्षों में जो विकृतियां हुई हैं उन विकृतियों का परिणाम है कि हम गुलाम हुए। हम कई बहाने ढूंढ लेते हैं कि मुगलों ने छल किया, इन्होंने छल किया, उन्होंने छल, तो आप क्या कर रहे थे? जो व्यक्ति सबल नहीं होता, इतिहास देखिए, इतिहास हमेशा विजेता का सम्मान करता है। हारे हुए को संसार में कोई नहीं पूछता। महाराणा सांगा कितने वीर थे उसका मूल्यांकन नहीं, इतिहास मूल्यांकन करेगा कि वो हारे क्यों। बाबा से जो के साथ कहना पड़ता है कि जब विदेशी आक्रांता जब भी आए उन्होंने भारतीयों के शवों से मीनारे बनाए, उन मीनारों को देख देख करके अट्टहास किया। लेकिन एक कड़वी बात में कहना चाहूंगा कि जो धर्म के बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, उनमें ऐश्वर्य तो था, ज्ञान का प्रकाश नहीं था। जिसमें सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था उसमें 1000 पंडित थे वहां, लेकिन विद्वान एक भी नहीं था। यदि एक भी विद्वान होता जिस देश ने विदुर को पैदा किया, शुक्राचार्य को पैदा किया, बृहस्पति को पैदा किया, भर्तृहरि को पैदा किया, जिन्होंने सारे विश्व को नैतिकता की शिक्षा दी, उन्हें भी सिखाया, उस समय एक महमूद गजनवी जैसे व्यक्ति से लड़ने के लिए कोई महमूद गजनवी कोई बहुत बड़ा वीर नहीं था। लेकिन इस देश के सारे लोगों को संगठित करके नीति की शिक्षा देने वाला चाणक्य जैसा कोई विद्वान उस समय क्यों नहीं पैदा, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था दूसरी थी। आज हम उस महर्षि की जन्मतिथि 200वीं को हम मना रहे हैं। आज देखा जाए तो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको यह देश एक दो बार नहीं 14 बार जहर का प्यार जहर देता है, और वो जहर को पीकर भी मुस्कुराता है। बनारस में संस्कार्थ हो रहा था स्वामी विश्वतानंद विद्वानों के, अखंडित काशी के विद्वानों के, और काशी के राजा ने छल पूर्वक दयानंद के ऊपर जूते चप्पलों की वर्षा करवा दी, और वो कितना महान है, मुस्कुराता रहा, किसी के लिए एक पट शब्द भी नहीं बोला। लेकिन जब उसकी सिंह गर्जना होती है तो पौराणिक पंडितों के पसीने छूट जाते हैं। कितना महान हुआ वह जिसको जहर देने वाला जब जेल में बंद किया जाता है तो कहते हैं कि नहीं मैं तो छुड़ाने आया हूं, मैं किसी को कैद कराने नहीं आया हूं। अंतिम समय में भी जब जहर दिया गया था जगन्नाथ पंडित को, उन्होंने पैसे देकर के भगा दिया कि तुम नेपाल चले जाओ नहीं तो तुम्हें कोई जीवित नहीं छोड़ेगा। अब कितना उस महान व्यक्तित्व को कल हमारे ज्ञानपीठ के आचार्य ने बताया कि पौराणिक मंदिरों में देश ने एक ने दयानंद का चित्र बनाकर उसके मुख पर उनके मुख पर की जगह सुअर का मुख लगा दिया तो मुझे विरोध में कुछ लिखना पड़ा। आप सोचिए यह देश नहीं जानता कि एक वेद की गरिमा क्या है। जिस वेद के ज्ञान के सागर से गीता निकलती है, गीता को पढ़ते तो हैं। आजकल एक बहुत धारणा चल पड़ी है कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। गीता वेद के ज्ञान के सागर का अनमोल रत्न है, इसमें कोई शक नहीं। सभी पुस्तक का वो तोता को पाल नंदन है। आप जानते हैं यजुर्वेद का जो 40वां था है उसको मंत्र उपनिषद कहते हैं, और उसके दो प्रथम मंत्र हैं ईशावास्य मिथम शरणम और विश्वामदेव सर दुकान परसो यद्वद्रम तद्नाशि। इन दो मंत्रों की व्याख्या में गीता के 700 श्लोक बोले गए। योगेश्वर श्री कृष्ण वेद के 16,108 ऋचाओं को कंठस्थ किया था,
जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वैसे योगेश्वर श्री कृष्ण को उन 16108 ऋचाओं से प्रेम था, उसका चिंतन करते थे। इसलिए अलंकारिक व्याख्या में कर देते कि किट्स की तो 16108 पत्नियां थी। उस योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्मी अवस्था में जिस अद्भुत ज्ञान को दिया वो गीता। लेकिन एक तो आजकल परंपरा चल गई है, हमारे वैष्णव पंत कहते हैं कि बनारस में परीक्षा ली गई तो चारों वेद नीचे थे और रामचरितमानस ऊपर हो गया। हर कोई अपने अपने संप्रदाय की मान्यता ला रहा है, लेकिन जिस वेद के कारण भारत जीवित है उस वेद को भारतीयों ने भुला दिया। और इसी का परिणाम है कि हजार वर्षों से हमारी न सांस्कृतिक एकता बन पाए न राजनीतिक एकता बन पाए। आप सोचिए जिस समय मोहम्मद गोरी के आक्रमण थे, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, नादिर शाह ने किया, तैमूर लग ने किया, लाशों के ढेर लग जाते हैं, खून की नदियां बहती हैं। इस देश में अभी भी वर्तमान में 72 लाख सन्यासी हैं। क्या किसी का चिंतन हुआ उस पीड़ा को किसी ने अनुभव में लिया कि जब करमती चित्तौड़ की महारानी राणा संगा की मृत्यु के बाद 13,000 छत्रणी के साथ चीता में जली हुई, जब पद्मिनी 13,000 के साथ चीता में जली हुई तो कितनी पीड़ा हुई। एक द्रौपदी और सीता के सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध होता है, रामायण का युद्ध होता है, लेकिन सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। क्यों? क्योंकि किसी को इस राष्ट्र से वास्तविक प्रेम नहीं था। पुरोहित वर्ग कहता था हमें क्या लेने देना, हमारा तो काम पूजा पाठ है। केवल क्षत्रियों को लड़ने के लिए छोड़ दिया था, वे क्षत्रिय जिनको न युद्ध, जो केवल तलवार तो चलाना चाहते थे लेकिन उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं था, राष्ट्र कि एकता क्या होती है इसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनको वेद का एक भी मंत्र याद नहीं। एक कट सकते हैं, आजकल एक विचारधारा चला करती है कि हम सबको एक रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है हमें एक रहना चाहिए, लेकिन जिस देश में 1,000 संप्रदाय हो, 1,200 जातियां हो, सभी अपनी श्रेष्ठता का दावा करती हो, उसमें एकता कैसी होगी। जब तक वैचारिक एकता नहीं होगी तब तक न सामाजिक एकता हो सकती है न राष्ट्रीय एकता हो सकती है। आप बताइए, मैं कुछ कड़वे सच कहूंगा और मैं आशा करूंगा कि अपने विशाल हृदय से आप उसको सहन करने की क्षमता रखेंगे और मुझे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। मैं गुवाहाटी गया था, वहां कामाख्या देवी का मंदिर। पौराणिक मान्यता के अनुसार सती माता के जिस संग की वहां जिस पूजा होती है वो वहां गिरा था, ऐसी मान्यता है। प्रश्न यह है कि क्या वेद इसकी स्वीकृति देता है। वहां जानवरों को इतना काटा जाता है खून की नाली में। नेपाल में गढ़ी माई का मंदिर है जहां आज भी 1,25,000 से अधिक भैंसे काटे जाते हैं। आप सोचिए क्या वेद इसकी स्वीकृति देता है। लेकिन वेद के आधार पर जब वहां विरोध किया जाएगा तो वो लोग पत्थरों से प्रहार, क्योंकि मेरा भी सामना उसी गुवाहाटी के पास एक पुजारी से हो गया था जो संयोग से उसी मंदिर का पुजारी था। वो भरी सभा के बीच चिल्लाने लगा। मैंने सोचा कि यह व्यक्ति कुछ ग्रंथ नहीं जानता, कुछ आप सोचेंगे धर्म की चादर उड़ाकर धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो वेद विरुद्ध हो रहा है। आज हिंदू धर्म में 70% जो कुछ हो रहा है वेदों से विरुद्ध हो रहा है। हम कभी शीर्ष पर थे, आज भी दुनिया में कहीं कहीं खुदाई हो रही है तो रशिया में भारतीय संस्कृति, अरब में भारतीय संस्कृति, और तो छोड़िए जब महाभारत का युद्ध होता है तो ईरावान जो अर्जुन का पुत्र था नागकन्या उर्वशी से पैदा हुआ, तो वो महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए आता है। वहां राजा बलि का राज्य था, वहां भारतीय संस्कृति, चाहे नई दुनिया हो या पुरानी दुनिया, अच्छा हो दीपों में भारतीय संस्कृति का साम्राज्य था। प्लस अर्जुनी में जाकर के भारतीय ज्ञान विज्ञान को फैलाए, और पुलस्त का पोता जो रावण था जिसने पूरे दक्षिण एशिया पर अपना अधिकार कर लिया था। हमारा पतन क्यों हुआ? हम सिमटते सिमटते हमने ईरान खोया, अफगानिस्तान खोया, रशिया खोया, अमेरिका खोया, एक छोटे से देश में सिमट गए। इसने भी भय लगा रहता है कि कब हमारी संस्कृति समाप्त हो जाए। इसका कारण क्या है? केवल वेद से विमुख होना, उस सत्य से विमुख होना। यदि वेद ये अथर्ववेद के चौदहवें कांड में एक मंत्र आता है, पहला ही मंत्र है ये रामायण 14वां कांड, सत्येन उत्पत्ता भूमि। पृथ्वी किससे टिकी है? सत्य से टिकी है। सत्य क्या है? जो परम सत्य है वही धर्म है। धर्म किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं, किसी कर्मकांड के तथ्यों का पालन करने का धर्म
बात कही थी कि मैं केवल वेद को मानता हूँ, वेद हिस्ट्री क्या है, और स्पष्ट घोषित कर दिया कि अति वो मरणमस्य युगांतरी वा न्याय पथा प्रज्वलित नहीं, मृत्यु आज ही हो या युगों के बाद, लेकिन न्याय और सत्य का मार्ग में नहीं छोड़ सका, क्योंकि वह सभा नहीं है जिसमें सत्य का पालन नहीं होता है। अभी जैसे कि मैंने आपको पौराणिक तथ्य दिए, जो अभी के दिल्ली में जाइए तो एक मंदिर है भैरव, वहाँ शराब चढ़ाई जाती है। बस पूछा जाए क्या वेद इसकी स्वीकृति देता है, गीता स्वीकृति देती है? गीता कहती है कि आप विचारणी योगे ना, आप व्यभिचारी भक्ति से परमात्मा को पाया जाता है। 13वें अध्याय में 14वें अध्याय में आप व्यभिचारी शब्द सीधे है, इसका अर्थ क्या होता है, एक परमात्मा को छोड़कर तुम्हें किसी की भी भक्ति नहीं करे। लेकिन क्या हिंदू समाज इस कड़वे सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है? मैं कहूंगा नहीं। यहाँ जितने आप लोग बैठे हैं, मैं कहूंगी कि एक परमात्मा की आराधना कीजिए जिसको वेद कहता है, उपनिषद कहता है, दर्शन वेदांत कहता है, गीता कहती है, आप मना कर देंगे? क्योंकि जो समाज में धर्म के नाम पर रूढ़िवादिता पैदा की गई है, वही रूढ़िवादिता इस हिंदू समाज के पतन की जिम्मेदार है। आप सोचिए, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, दारसिंह की हार के पीछे कारण क्या था, केवल धार्मिक कारण। यदि उस मंदिर की पताका को नहीं काटा जाता तो सिन्हा दार सिंह की नहीं भागती और देश गुलाम नहीं होता। ऐसे ही सभी कारण थे, जो राजनीतिक जो स्थिति कमजोर हुई वो धार्मिक विकृति के कारण। भारत की संस्कृति क्या है, वह वेदों में बसती है, और जब भी यह देश वेद से विमुख हुआ, वेदार्थ से विमुख हुआ, सच्चे वेदार्थ से, आप देखेंगे साढ़े चार की बेटी का है, ये जितने बामार के विद्वान हुए उनकी भी टीका है, लेकिन उन्होंने वेद का अनर्थ का वेदार्थ का अनर्थ किया है और उन पौराणिक मान्यताओं को प्रश्न दिया है जिसके कारण यह देश कलंकित होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अथर्ववेद में एक वसा सूक्त है, वसा सूक्त का अर्थ क्या, वसा कर्त होता है समस्त सृष्टि को बस में करने वाली परमेश्वरी शक्ति, उसमें गौ के रूप से दृष्टांत दिया है। उस मंत्रकार महिधर उबट या जितने विदेशी विद्वान हैं और भारतीय यहां तक की शरणाचार्य तक भी उसका अर्थ में यही कर दिया है कि काय को कमान समर्पण। अभी एक ऋषभ सूक्त है, ऋषभ सूक्त का अर्थ क्या होता है, जो सर्वोपरि है उसको, जो सर्वोपरि परमात्मा है उसको ऋषभ कहते हैं। उसका अर्थ में यह जोड़ दिया गया कि बैल का मांस समर्पण। आप बताइए, जो वेद कहते हैं कि गौ विश्व से मात्रा, गाय हमारी माता है, उस वेद में कहां से आ जाएगा कि गाय का हमन करो या बैल का हमन करो? जो कहलाते तो हिंदू है, मैं एक बात कटु बात करना चाहूंगा और आपकी मान्यता के विरुद्ध होने से मैं क्षमा भी चाहूंगा। देखिए, मैं गुजरात जाता हूं तो दाहोद में कहा जाएगा सारू छे, ठीक है, और उसी गुजरात में आगे जाएंगे काठियावाड़ पर तो कहा जाएगा हारू छे, सौ का ह हो जाता है। उसी काठियावाड़ से लगते हुए सिंध की सीमा आती है और सिंध अफगानिस्तान ईरान में सौ का उच्चारण ह के रूप में होता है। आज भी गुजरात में परंपरा है, सिंध नदी के किनारे जो सभ्यता व्यवस्थित थी, ईरान वालों ने सिंध को हिंद कहा, यहाँ की संस्कृत को हिंद कहा, सिंध को हिंद कहा, और वही से अपभ्रंश होते हिंद, यहाँ के रहने वाले को हिंदू शब्द से संबोधित किया जाने लगा। अन्यथा आज से 2500 वर्ष पहले का जो भी साहित्य उठाइए, गौतम बुद्ध सबको आर्य कहते हैं, महावीर स्वामी आर्य कहते हैं, वेद में क्या घोषित किया गया है, किणवंतो विश्व मार्यम, सारे विश्व को आर्य बनाओ। लेकिन जब हम अपने को केवल एक हिंदू मान लेते हैं, हिंदू शब्द क्या है, बहु सांस्कृतिक अवधारणा है, यहाँ सिंधु नदी के आस पास उस संस्कृत को मानने वाले जो भी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी हिंदू कहे जाएंगे, लेकिन यदि हम वेद के आधार पर चलते हैं तो क्या होगा, सारा विश्व हमारा होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृत कहती है कि सर्वा असा मैं मित्र बहुत, सभी दिशाएं मेरे मित्र हो, हमारी संस्कृत उद्घोष करती है दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपस शांति। मैं तो आज वेद पर व्याख्यान देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो उस दयानंद की महिमा बताने के लिए बैठा हूँ। उस दयानंद ने जो इस देश के
के पखंड के वृक्षों को कुल्हाड़े से काटना चाहता था, लेकिन इस देश की जनता ने जो अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई थी उसको बार बार पीस दिया और हर पान पीस पीने के बाद वो मुस्कुराता था, कभी किसी के लिए गिले शिकवे नहीं किए। आज दयानंद के उपकारों को जब तक यह देश रहेगा भारतीय जनमानस उसके ऋण को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। संभव है जो भी राजे महाराजा हुए, महाराजा छत्रसाल हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, उन्होंने अपने पूरे परिवार को राष्ट्र के लिए बलिदान पर चढ़ा दिया, लेकिन एक दयानंद जिसके पास कई बार कुछ एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 दिन तो खाने को नहीं मिला तो एक किसान से कच्चा बैंगन मांग करके उन्होंने खाया। आज स्थिति क्या है, एक भागवत कथा का एक हफ्ते का 10 लाख लेता है, 20 लाख लेता है, राजाओं जैसी जिंदगी जीता है, लेकिन वह दयानंद जो सचमुच दयानंद का सागर है, जो अपने को मारने वाले को भी पैसा देकर के भगा देता है, जो उसके ऊपर जूते फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उसको भी देख करके मुस्कुराता है। आप देखेंगे आजकल कभी कभी तो मुझे भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, ट्रेन में जाते हैं तो लोग कई बार घूर कर देखने लगते हैं क्योंकि उनकी स्मृति में रामपाल और बाबा राम रहीम आते हैं। एक बार दयानंद जा रहे थे किसी मंदिर के आगे से, तो वहां कुछ बालिकाएं 7-8 साल की बच्चियां खेल रही थी। दयानंद ने श्रद्धा से सिर झुकाया तो एक पौराणिक पंत थे, कहा कि स्वामी जी आज तो आपने मूर्ति को प्रणाम कर दिया। दयानंद कहते हैं कि मैंने उस मातृशक्ति को प्रणाम किया है जिसने हमें जन्म दिया। आप सोचिए 50 साल का सन्यासी 8 साल की मातृशक्ति को प्रणाम कर रहा है। ये भारत के सन्यासियों को शिक्षा लेनी चाहिए, उन्हें मातृशक्ति को किस रूप में देखना है। नारी को शिक्षा से वंचित किया जाना कितना दुर्भाग्य है। अभी मैंने बात बताई थी कि हमारे ज्ञानपीठ के आचार्य से पौराणिक पंथों ने प्रश्न किया है कि नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और दुर्भाग्य से कुछ वर्ष पहले जब इससे तो सभा में नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल ही देता हूँ, पूरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ ने कहा था कि स्त्री को कुछ संस्कृत पढ़ने का ही अधिकार है। आप सोचिए आप शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने भारती से संस्थापित किया था आदि शंकराचार्य ने, यदि भारती नहीं पढ़ी होती मंडल मिश्र की अर्धांगिनी तो एक महान कथा कैसे लिखी जाती। इस देश में गार्गी हुई, अपाला हुई, घोषा हुई, विश्वभारा हुई, लेकिन इन पौराणिक पंथियों ने बाबा पंथियों ने नारी को शिक्षा से वंचित कर दिया। जब नारी है जो सृष्टि की निर्मात्री है, वेद कहता है नारी निर्मात्री होती मनुष्य जिसके बारे में कहा जाता है कि यद किंचित मनो अपरवेद सा भेजे भेजा है, मनु ने जो कुछ कहा औषधियों के औषधि है, और जो मनुस्मृत घोषणा करते कि यद नारिया तो पूजनते रमंतरित तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वो देवता रमण करते हैं, उस देश में नारी की शिक्षा पर इतना प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दयानंद ने घोषित करके कहा, एक मंत्र बार बार मस्तिष्क में उठता है, वो कहते हैं क्योंकि आप किसी से जाएंगे तो कह देंगे कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अभी इस वर्ष में सिक्किम में था, वहाँ साधना के कार्य से, तो एक यूट्यूब पर किसी ने दिखा दिया मुझे, एक शोध संस्थान शंकराचार्य जी के नाम से बना था, उसके जो प्रमुख विद्वान थे उन्होंने क्या लिखा था, जिसका ये जो पवित्र न हो उसको ओम का भी उच्चारण नहीं कर सकता। मैं सिर पकड़ कर बैठ गया, न आप भक्ति करेंगे न किसी को करने देंगे, न वेद पढ़ेंगे न किसी को पढ़ने देंगे। इसी का परिणाम है कि आज सारा भारतवर्ष एक विशाल भारतीय संस्कृत जो वेदों से प्रेरित थी सिमटते सिमटते छोटे से हिस्से में आ गई। आज आप देखिए बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, भारत में जो बचा है वो भी खतरे के ज्वालामुखी पर बैठा है। ये किसकी देन, ये उस संकीर्णता की देन है जो वेद विरोधी विचारों से पैदा हुई है, जिन्होंने चादर तो ओढ़ी है धर्म की लेकिन उनके अधिकतर सिद्धांत 70% वेदों से मेल नहीं खाते हैं। मैं वही बात कर रहा था, वही वेद के मंत्र हैं लेकिन उसी का अर्थ शरणाचार्य विकृत रूप में करते हैं। जिस मंत्र जिस सूक्त में परमात्मा की महिमा गाई हो उस मंत्र में ये उल्टा अर्थ कर देना कि नहीं बैल के मांस की हवन का विधान है, जिस में ब्रह्म की शक्ति का वर्णन हो उसमें अर्थ कर देना कि गो गो
के मांस का मूल का विधान है, धर्म को और कलंकित करना है। ये वेदांत सही दिखाया ऋषि दयानंद ने। जैमिनी के बाद यदि कोई भारत में ऋषि हुआ तो वो ऋषि दयानंद, जिसने वेदों का सही अर्थ किया, हिमालय की गुफाओं पर कठोर साधना करके जिसने अपना सारा जीवन इस मानवता के कल्याण में लगा दिया। राजा महाराजा आते रहेंगे, सत्ताएं आती जाएंगी, राजनीतिक क्षेत्र बढ़ते रहेंगे, लेकिन यदि सांस्कृतिक चेतना समृद्ध नहीं हुई तो देश के अस्तित्व को कोई नहीं बचा सकता। आप देखिए, मैं आपको एक महाभारत का दृष्टांत देता हूं। भीष्म पितामह भी बहुत बड़े धर्मात्मा है, कृपाचार्य भी धर्मात्मा है, और जो विदुर भी धर्मात्मा है, द्रोणाचार्य भी धर्मात्मा है, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है कौन बोल रहा है? केवल विदुर ने बोला। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सिर झुकाए बैठे हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है उनको कहा जाता है कि आप कौरवों की तरफ से मत लड़िए, तो सीना तान कर खड़े हो जाते कि नहीं, दुर्योधन के लिए लड़ना ही। यदि वे तीनों अलग हो जाते तो हो सकता था युद्ध रुक जाता, लेकिन वो मोह से ग्रसित है। और उसके क्योंकि भीष्म पितामह अपने व्यक्तिगत धर्म से बंधे, उनको राष्ट्र धर्म का बोध नहीं, भीष्म पितामह की विद्वता में कोई संशय नहीं, लेकिन जो धर्म की व्याख्या योगेश्वर श्री कृष्ण ने की है, जिस धर्म का आचरण श्री कृष्ण ने किया वो भीष्म पितामह नहीं कर पाए। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने मामा का वध किया जो धर्म के विरुद्ध था, यह नहीं देखा कि ये मेरा मामा है। द्रोणाचार्य बधे हुए अपने पुत्र के मोह से कि अश्वत्थामा जिद्ध रहेगा मैं उधर रहूंगा, कृपाचार्य कौरव पांडव के कुल गुरु हैं लेकिन वो बधे हुए अपने जीजा से बधे हुए हैं। धर्म क्या कहता है ये कोई नहीं देख रहा। इसलिए व्यास जी ने कहा था कि मैं दोनों भुजाएं उठा कर कह रहा हूं कि धर्म और रक्षित रक्षिता, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। और आप देखिए, ऐसा लगता था कि कौरव जीत जाएंगे क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य और कि कर्ण के हाथ में जब तक धनुष से कोई मार नहीं सकता, कृपाचार्य भी अजय है, अश्वत्थामा भी अजय है, लेकिन सभी हाथ में क्यों कि धर्म ही सृष्टि का आधार है। सत्य में जयते नितम सत्य में पतंगा विकतो या देवयाना, ये आत्म संत ऋषो ही अपकामा तत्त सत्य से पर। हमने सत्य की शक्ति नहीं जानी, इसलिए वेद ने थोड़े सत्य में कह दिया सत्येन उत्तविकता भूमि, पृथ्वी सत्य से टिकी है। मेरे कहने का अर्थ क्या है? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह अपने जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, उसका संरक्षण करने में खड़े हुए, तो अधर्म के वहां गोपी हुए। मेरे कहने का अर्थ क्या है? आज हर संप्रदाय कहता है कि हम, हमारा धर्म है, हम सनातनी है। आप सनातन किसको कहते हैं? वेद ही सनातन है। यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया शास्त्री भय समाप्या, अनाथ प्रजाओं के लिए अनादि से ही जान दिया जा रहा है, जब यह सृष्टि लय को प्राप्त हो जाएगी फिर नई सृष्टि बनेगी तब भी वेद का ज्ञान उत्तरित होगा, क्योंकि वो मानवी ज्ञान नहीं है, किसी मनुष्य ऋषि ने वेदों का ज्ञान नहीं दिया है। सृष्टि के प्रारंभ में यह ज्ञान ऋषियों के द्वारा प्राप्त होता है। इसी कहा तस्मात तेजात सर्वतः विजय समान जगृत चंद्रांश है जगृत तस्मात तेजो तस्मात। आप सोचिए उस ईश्वरी ज्ञान को एक सामान्य से ग्रंथ के रूप में परिभाषित कर जाता है और उन्हीं मंत्रों को पढ़ते हुए जो अधर्म का पोषण किया गया तो आज क्या हुआ? देश संप्रदायों में विभक्त होता गया। आप देखेंगे कोई अलग अलग इष्ट देवों को बनाकर आज हिंदू समाज देवता की परिभाषा नहीं समझता, परमात्मा की परिभाषा नहीं समझता, भगवान की परिभाषा नहीं समझता। भगवान किसको कहते हैं, देवता किसको कहते हैं, लड़ रहा है और परिणाम क्या है? कितने जो कल तक गाय को माता करते थे, गायत्री की उपासना करते थे, वे गाय का मांस खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेद के ज्ञान को दूर रखा है। आप उस दयानंद करण कैसे पूरा कर पाएंगे? जो जानता है कि मुझे जहर दिया जा रहा है, एक दो बार में सुकरात को तो एक बार दिया गया, बुद्ध को एक बार दिया गया, शंकराचार्य जी को केवल एक बार जहर दिया गया, और वो 14 बार जहर का पान करता है फिर भी मुस्कुराता रहता है। जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात आती है, एक बार दयानंद जी एक स्टेशन पर खड़े थे नंग धड़ंग अपने अद्भुत वेश में,
वहां का कलेक्टर जो है अंग्रेज था, वो अपनी पत्नी के साथ वो भी स्टेशन पर बैठा था। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा कि एक हिंदुस्तानी से कहा कि इसको बाहर निकाल दो। स्टेशन मास्टर ने जाकर कहा कि स्वामी जी आप स्टेशन से बाहर चले जाइए, अंग्रेज कलेक्टर का आदेश है। स्वामी जी ने कहा जाकर उस अंग्रेज से कह दो कि हम उस समय के मनुष्य हैं जब आदम और हव्वा अदन के बाग में नंगा घूमा करते थे। अंग्रेज समझ गया यह बात इस संसार में दयानंद किसी को कोई नहीं कर सकता। वो आया, सम्मान पूर्वक हाथ मिलाया और जब तक दयानंद जी रहे तब तक वो स्वयं गाड़ी पर नहीं बैठा, उनको गाड़ी पर बैठा करके। आप सोचिए अंग्रेजों के जमाने में भारत की स्थिति क्या थी। जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराज दौला को छल कपट से हाथी से कुचलवा दिया था, केवल उसके पास 500 सैनिक है। 500 सैनिक कलकत्ता की गलियों में निकलते हैं और 50,000 हिंदुस्तानी फूल फेंकते हैं। अंग्रेज समझ गए कि जब तक सूर्य उगता रहेगा ये हिंदुस्तान गुलाम रहेगा। क्यों? यहाँ के लोगों को अब देखिए इसी महानगर में जिस सहारनपुर में आप रहते हैं, मुझे यहाँ की जनसंख्या का पता नहीं लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ के 10% हिंदुओं को, हिंदू क्यों क्या कहूँ मैं, तथा कथित हिंदुओं को क्या गायत्री मंत्र याद होगा? 5% को भी गीता का पहला श्लोक याद होगा? नहीं। एक मुस्लिम का बच्चा 12 वर्ष की आयु में सारे पुराण रट लेता है और आप 10% जनता को गायत्री मंत्र तक याद नहीं दिला सकते। मैं समझता हूँ 80-90% हिंदुओं ने अपने वेदों को देखा नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है। मंदिरों में चढ़ावा चढ़ रहा है, बड़े बड़े भव्य आश्रम बन रहे हैं राजमहलों जैसे। मैं ये नहीं कहता कि मत बनाइए लेकिन वहां ज्ञान का प्रकाश तो कीजिए। और सबसे मैं निवेदन करता हूं मैं वहां मोहन भागवत जी के पास भी अपने एक घनिष्ठ व्यक्ति जो हमारी संस्था की ट्रस्टी है उनके माध्यम से संदेश भिजवाया था कि देखिए जन जागृति के बिना राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती और जन जागृति के लिए ज्ञान का प्रकाश होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान नहीं रहेगा तो समाज का कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा। जब भारत पर सिकंदर आक्रमण करता है तो सेना नहीं लड़ रही थी, सेना तो तलवार से लड़ेगी, हथियारों से लड़ेगी, एक दूसरे को मारेगी। वास्तविक लड़ाई तो अरस्तु और चंद्रगुप्त चाणक्य के बीच थी। एक तरफ चाणक्य है, एक तरफ अरस्तु है, एक तरफ चंद्रगुप्त है, एक तरफ सिकंदर है। सिकंदर और चंद्रगुप्त तो लड़ रहे हैं, इनको शक्ति देने वाला कौन है? उधर अरस्तु बैठा है, इधर चाणक्य बैठा है। लेकिन जब चाणक्य पैदा ही नहीं होगा, गुरुकुल ही नहीं होंगे, केवल भोग चढ़ाना ही नियत बन जाएगी कि भगवान मंदिर में बैठे भगवान की मूर्ति पर चढ़ाओ, प्रसाद दो और जाओ। आपके मस्तिष्क में यदि ज्ञान की शक्ति नहीं रहेगी तो केवल बाहुबल से आप राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। और यदि ज्ञान पथ भ्रष्ट करने वाला हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कहीं भगवान के नाम पर यदि भैरव देवता को शराब चढ़ाई जाती है, देवी माता की उपासना के कारण के नाम पर यदि 1,25,000 भैंसों को काटा जाता है, चाहे विंध्याचल के मंदिर हो, चाहे कामाख्या के मंदिर हो, जहाँ वेद विरुद्ध कार्य होते हैं, उसको कभी भी हमें अंगीकार नहीं करना चाहिए। एक बात मैं खुला सच कहना चाहूंगा, यदि धृतराष्ट्र ने देख लिया होता कि मेरा बेटा अधर्म मूलक है, उसी समय प्रत्याग कर दिया होता तो जो 18 लाख 18 क्षणी सेना मारी जाती है, 47 लाख से अधिक मारे जाते हैं, उतने लोगों की हत्या नहीं होती। वैसे ही हम जिस संप्रदाय में जन्म लेते हैं उसी संप्रदाय का पोषण करते हैं, क्योंकि हमारी आस्था अपने सांप्रदायिक ग्रंथों से होती है, हमारी आस्था वेद पर नहीं है। दयानंद ने यह सिखाया, ये भारत को सबसे बड़े देन थे। और जिस दिन भारत का हर व्यक्ति वेद को पहले प्राथमिकता देगा, कबीर जी ने क्या कहा, अपौरुषेयत्वम् हि वेदानां तत्कर्तृ पुरुषस्य भवः। वेद अपौरुषेय, वेद ने जो कहा वो अंतिम सत्य है, उस पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। एक मुस्लिम जानता है कि कुरान की कई बातें असंगत है, एक क्रिश्चियन जानता है कि बाइबल की कई बातें असंगत है, लेकिन उनको आस्था है। वेद ज्ञान के सागर है, अथाह सागर, इसलिए उसको कहा कि अनंत वेदा। लेकिन एक धर्माचार्य जिस संप्रदाय का होता है अपने ही संप्रदाय की महिमा गाएगा कि हमारी ये हमारा ये कर्म ठीक है, हमारा ये पूछा जाए क्या वेद ने उसकी स्वीकृति दी है, यदि नहीं फिर भी हम पोषण करते हैं। परिणाम क्या है? जिस तरह से अधर्म का पोषण करने से
भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के भूल ने दुर्योधन को संरक्षण दिया। उसी तरह से हम सारे भारत को एक करें, लेकिन जहाँ वैचारिक मतभेद होते हैं उसको हमें ज्ञान के प्रकाश से दूर करना पड़ेगा। यदि वह हमने नहीं किया तो क्या होगा, दीमक की तरह रूढ़िवादिता हमारी जड़ों को खोखला करती रहेगी। और इसी कारण है कि देश में वीरों की कमी नहीं रहती। महाराणा प्रताप थे औरंगजेब अकबर के समय में, औरंगजेब के समय में महाराजा छत्रसाल जी, मैंने शिवाजी का नाम लिया, गुरु गोविंद सिंह का नाम लिया, एक से एक वीर थे। लेकिन सारे भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधने वाली कोई शक्ति है तो वो वेद की शक्ति। वेद भी जो राष्ट्र बंधना है वो सारे विश्व के लिए, भारत भी कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है, अमेरिका भी कर सकता है। जिस राष्ट्र बंधना के अंतिम सत्य क्या है, निकामे निकामे न पर्जन्य वर्षत फल वत्य न सत्य पत्यंत्याभ्युपचे मन कल्पना, कौन इसको मना करेगा। लेकिन हमने वेद की मान्यता को नहीं समझा, हमें तो कोई लालच दे देता है, हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कभी हमने सोचा कि धर्म परिवर्तन करते क्या होता है, धर्मांतरण का अर्थ राष्ट्रांतरण होता है। और धर्म के मूल है वेद। यदि आप वेद के ज्ञान को नहीं फैलाएंगे, आप गली गली में कितने भी मंदिर बना लीजिए, उससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। ज्ञान के मंदिरों की आवश्यकता है जो सबके हृदय में शुद्ध ज्ञान दे, उसी ज्ञान को भरे। और गीता में ईश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदृष्टे अर्जुन तिष्ठत्, ईश्वर परमात्मा सबके हृदय मंदिर में। आज का हिंदू समाज कृष्ण के चित्र की पूजा करेगा लेकिन कृष्ण के आदेश का पालन नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। वो एक परमात्मा जो वेदोक्त है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। गीता ने जिस परमात्मा की व्याख्या की उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहेगा कि हम गीता के ग्रंथ को मानते हैं लेकिन गीता के आदेश को नहीं मानते हैं। गीता को पढ़ेगा लेकिन गीता के आदेशों की अवहेलना करेगा। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। और इसका परिणाम यह है कि हम सोने के कलश वाले मंदिर बनाते हैं, सोने के सिंहासन बनाते हैं, सोने के दरवाजे बनाते हैं। हमारा प्रयास होता है कि दीवारों को हम सोने से मढ़वा दें ताकि हमारा मंदिर चमकता रहेगा। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, आप सोचिए हीरा क्या है, कोयला से ही तो बना होता है। आप हीरों से ही सजा दीजिए सोमनाथ मंदिर, केवल हीरे मोती से सजा था क्यों हुआ। एक आता ही आता है गदा के प्रहार से तोड़ देता है। जो सर्वशक्तिमान है उसको तो कोई नहीं छोड़ सकता। जो हृदय में बसता है, आज से लाखों वर्ष पहले गांधी से शास्त्रार्थ होता है, या झलक ने कहा था, यो आत्मतिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेति यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है लेकिन जिसको आत्मा नहीं जानता। आप सोचिए याज्ञवल्क्य के कथन को भारतीयों ने नकार दिया। उन्होंने एक स्थान विशेष में, मंदिर विशेष में अपने ही बनाई हुई प्रतिमा को तो परमात्मा माना। दयानंद इन्हीं अंधविश्वासों से दूर करना चाहते थे कि भारतवर्ष जगे, वहां एक परमात्मा की उपासना करे, एक वेद को माने, उसी वेद से जिसकी ज्ञान धारा उपनिषदों के रूप में है, जिसकी ज्ञान धारा ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में, आर्य लोगों के रूप में है। आज विश्व परमाणुवाद पर जितना खोज कर चुका है, कणाद का वैशेषिक दर्शन उससे आगे की बात करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय अपने मनुष्यों के गौरव गान को कुछ नहीं जानते। मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूं। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो पहले दिन से 190 वायुयानों से जर्मनी ने लंदन पर बमबारी शुरू कर दी। सारी संसद बुलाई गई। ब्रिटेन के चर्चिल ने कहा कि देखिए जो भी बजट है इंग्लैंड का 90% शिक्षा में खर्च करो। सारी संसद विरोध में हो गई कि जो बम गिर रहे हैं तो इसमें लड़ाई की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। चर्चिल ने कहा कि नहीं, जिस देश का हर व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति सजग है, अपने कर्तव्य को जानता है, उस राष्ट्र को कोई भी गुनाह नहीं बना सकता। आज सोचिए एक तिरुपत मंदिर का वार्षिक चढ़ावा मैं सोचता हूं 700 करोड़ से ज्यादा, आज से 10 साल पहले था, आज 10 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। यदि 1000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, अभी तो 10 साल पहले 700 करोड़ था। आप सोचिए यदि 700 करोड़ भी जोड़े तो 100 करोड़ के 7 विश्वविद्यालय, धार्मिक विश्वविद्यालय तो हर साल स्थापित हो सके केवल एक मंदिर की कमाई से। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद क्या आज भी हिंदुओं का स्वाभिमान कभी जगा,
कि हम मांग करें कि हमने परमात्मा के नाम पर दिया है, ये कोई ऐसी संपदा नहीं है कि जो गवर्नमेंट ले रहे, और उस जो ट्रस्ट भी है वो भी नहीं सोचता कि हम शिक्षा में इसको खर्च करें। आप सोचिए, मंदिर आपको गली गली में मिल जाएंगे, वहां जाने वाले ही नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ी को यदि आप ज्ञान नहीं देंगे तो क्या होगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने वेदों की व्याख्या की, उनके अनुयायियों ने जो वैदिक साहित्य रचा उससे अनुप्रेरित हुआ पूरा भारतवर्ष, और एक समय ऐसा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक एक टीवी कॉलेज था। एक सन्यासी जो ज्ञान की ज्योति जलाता है उसने सावरकर को पैदा किया, उसने भगत सिंह को पैदा किया, उसने चंद्रशेखर आजाद को पैदा किया। सावरकर ने कहा था कि हिंदू समाज की शीतल रसों में उस रक्त का संचार करने वाला ग्रंथ सच्चा प्रकाश। आप सोचिए, यदि हर भारतीय सच्चा प्रकाश को पढ़ लेगा तो वो क्यों बाइबल की तरफ झुकेगा। आज अरुणाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, आप जाकर वहां मंच नहीं लगा सकते खुले, आप केरला में नहीं लगा सकते, हो सकता है मणिपुर त्रिपुरा में भी यही हालत बनती जा रही है, और मैं समझता हूँ कि यदि वर्तमान में जो स्थिति है वही रहेगी तो बंगाल में भी वही हाल हो सकता है। कभी इस देश का स्वाभिमान नहीं जगा कि हम वेदों से दूर होने का कितना दुष्परिणाम भुगत चुके हैं। दयानंद ने सिखाया कि स्वतंत्रता क्या होती है। एक बार वायसराय ने पूछा कि स्वामी जी आपकी क्या इच्छा है, सीधे उसके मुंह पर कहते हैं तो भारत छोड़कर चले जाओ, ऐसा कोई कह सकता है। जिसने कहा था कि मेरे पांचों उंगलियों की बत्तियां बनाकर जला दो तो भी मैं सत्य कहना नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो निर्भीक सन्यासी जो मृत्यु से नहीं डरता, कितना बहादुर है। देखिए, तैमूरलंग आता है भारत में, खून की नदियां बहा देता है, सिकंदर आता है वो खून की नदियां बहाता है, गोरी गजनी आते हैं खून की नदियां बहा देते हैं, अमर सरण आता है सब कर देता है, लेकिन जब उनके मरने का समय आता है तो वो डरने लगते हैं। और दयानंद मुस्कुराता है, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण। कोई मरते से हंसता है लेकिन वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, वेदों से प्रार्थना कर रहा है, और उनको देखकर गुरुदत्त जैसा नास्तिक इतना बड़ा आस्तिक बन गया कि मात्र 4 महीने में अष्टाध्यायी को कंठस्थ कर लेता है और वेदों पर प्रश्न देने लगता है। देश की अस्मिता को जगाया है तो महर्षि दयानंद ने। ये मैं जरूर कहूंगा, भारत सृष्टि के प्रारंभ से, भारत का अर्थ क्या होता है, भारत है, भारतीय का अर्थ क्या होता है, जो ज्ञान में तलीन जो सृष्टि है उसको भारतीय कहते हैं। एक श्लोक आता है, अपूर्व कोशों में विद्यते तो भारत, वेदो क्षय मया वेदो क्षय मया क्षय मया संचरा, वेदो वृद्धि मया क्षय मया संचरा। भारतीय का अर्थ क्या है, जो ज्ञान में जो ज्ञान स्वरूपणी भारत माता है उसको भारतीय कहते हैं। भारत का अर्थ क्या है, जो ज्ञान में तलीन हो। आप तो आजकल शिक्षा का प्रचार कार्य देख रहे हैं, एक जमाना ऐसा था अंग्रेजों के जमाने में कोई पत्र आता था तो पटवारी ही पढ़ सकता था, गांव के सभी लोग अनपढ़ थे। क्यों, हम जरूर कह देते हैं कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, मुगलों ने शिक्षा संस्थानों को तोड़ा। एक आक्रांता से आपका क्या आशा करते हैं, वो आपकी आरती नहीं करेगा, आपको सबल रहना होगा। और ये सबलता कैसे मिलेगी, जब वेदों के ज्ञान का प्रकाश होगा। मैं भारतीय जनमानस में बैठे हुए सभी प्रबुद्ध वर्ग से और जो भी धर्म के अग्रगण्यजन हैं, महंत हैं, महाराज हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, सबसे मुझे यही आग्रह करूँगा कि अपनी सांप्रदायिक लाभ को किनारे करके वैदिक मार्ग का अनुसरण करें। मंदिरों को सजाने की अपेक्षा सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करें। जो महर्षि दयानंद का उद्घोष था, वेद का एक मंत्र है, सभ्य समाज सहस्त्र संख्य 100 हाथों से बटोरिए 1000 हाथों से लुटाइए। यदि आप वैदिक ज्ञान को फैलाएंगे ही नहीं, केवल मंदिरों के ऊपर सोने के कलश लगाते रहेंगे तो याद रखिए कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि कोई मंदिर आने वाला ही ना मिले। क्योंकि ज्ञान को अवरुद्ध करना किसी देश के प्राण को अवरुद्ध करना होता है, वेद की रक्षा राष्ट्र की रक्षा है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, तो वेद के ज्ञान की वृद्धि करनी होगी, अपनी सांप्रदायिक परिधियों से बाहर निकलना। जब तक रूढ़िवादिता को धर्म माना जाएगा और कहा जाएगा कि सभी अच्छे हैं, जब सभी अच्छे हैं तो विकृति को, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। लोकेशना से हर व्यक्ति इतना ग्रसित होता है कि अन्याय के विपरीत कोई भी बोलने का साहस नहीं करता, और इसीलिए कह देते हैं कि हाँ तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, तुम जो कुछ मान रहे हो सब ठीक है। यदि सभी ठीक है
तो संसार में संघर्ष नहीं होना चाहिए, सत्य एक होता है। वैसे तो विष्णु पितामह भी कह रहे थे कि हम मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, द्रोणाचार्य कह रहे थे कि मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वो अधर्म के पोषक थे, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। यदि सारे भारत की सुरक्षा करनी है तो असत्य के ग्रहण, असत्य के त्याग और सत्य के ग्रहण में सबको उद्यत रहना होगा। जो वेद विरुद्ध जो भी मान्यता है उसका परित्याग करना होगा। दयानंद ने यही सिखाया है और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये तो श्रद्धांजलि का अवसर नहीं है, उनके जन्मदिन को हम याद करते हैं। दयानंद की आत्मा कभी मर नहीं सकती है, उनका तन पैदा हुआ, तन काल कवलित हो गया, काल शरीर को नष्ट कर सकता है। उन्होंने जो वेदार्थ दर्शाया, जिसकी प्रशंसा योगिराज अरविंद ने की थी कि दयानंद ने वेदों की वेदार्थ की कुंजी खोज ली थी। जो वेदार्थ किसी भी आचार्य को महाभारत काल के पश्चात नहीं मिला। देश में बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, निवारकाचार्य, माधवाचार्य, बल्भाचार्य और भी कई हुए हैं, मैं नाम किसके लू, लेकिन एक दुख के साथ कहना पड़ता है, वेदांत का एक सूत्र आता है, श्रवण अध्ययन प्रतिषेधार स्मृति, इसकी व्याख्या है। पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब बड़ासर ग्रंथ की रचना करते समय जब मैंने देखा तो मैं भी सिर पकड़ कर बैठ गया। उस सूत्र के अर्थ में ऐसा लिखा है कि सूत्र चलता फिरता शमशान है। सूत्र के पास यदि कोई वेद नहीं पढ़ना चाहिए, यदि वो वेद पढ़ता है तो उसके कान काट लो, यदि वो वेद सुनता है तो उसमें शीशा भर दो, और यदि छिप करके वेदांत करा तो तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो। आप सोचिए, और इसका समर्थन निम्बार्काचार्य ने किया है, माधवाचार्य ने किया है, बल्भाचार्य ने किया है, सबने किया है, रामानुज ने भी किया है। आप सोचिए, वेदांत के सूत्र में ऐसा कोई असर नहीं है। आप जाति भेद को एक जन्मजात बनाकर समाज के वर्ग को मारने से, आप वेद पढ़ता है तो आप तलवार से काटने की बात करते हैं, तो बाइबल क्यों नहीं पढ़ेगा, वो कुरान क्यों नहीं पढ़ेगा। आप ही अपने भाई बंधुओं को अलग कर रहे हैं जाति के नाम पर, संकटता के नाम पर। ये ऋषि दयानंद का साहस है। उन्होंने टिंडी घोष से कहा था कि यथा इमाम वाचम कल्याणी आप दाम जातियां ब्रह्म रचाना व्यम सूत्र आचार स्वाचार राज्य चरणाच। यह वेद के ज्ञान का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अति शूद्र स्त्री महादलित को भी है। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है, अपने में विकारों को दूर कर सकता है, वो वेदांत को ग्रहण करने का अधिकार है। ये साहस महाभारत के पश्चात, जैमिनी के पश्चात किसी भी आचार्य, किसी भी सन्यासी में नहीं हुआ। इसलिए महर्षि दयानंद ने नारी शक्ति का उद्धार किया, नारी को सर्व पूज्य बताया, मनु के उस कथन को सार्थक किया, यत नारियां तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस दलित समाज का उद्धार किया जिसके आंसू कोई पूछने वाला नहीं था। हजारों पीढ़ियों से जो दलित समाज तिरस्कृत था, जिसकी छाया से भी लोग घृणा करते थे, अब दक्षिण भारत में जाए उसके गले में घंटी बांधी जाती थी कि सूत्र आ रहा है। जब आचार्य लोग इतनी घृणा की बात करेंगे कि यदि वो वेद पढ़ते हैं तो उसकी जीवा काट लो, उसके कान में शीशा भर दो, तो सामान्य जनता क्यों नहीं करेगी। और इसी घृणा का परिणाम हुआ कि आज केरला में क्या हो रहा है। आज शंकराचार्य के गाँव में एक भी कोई हिंदू नहीं कहलाने वाला है। आप अपने ही भाई बंधुओं को तिरस्कृत करेंगे तो दूसरे पंथ में जाएंगे, आपकी संस्कृति के ही विरोधी होंगे, और इसका परिणाम क्या होगा, राष्ट्रांतरण, जिसकी एक झलक आपको बर्मा के रूप में देखने को मिल रही है, अफगानिस्तान के रूप में देखने को मिल रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में हो रही है। इसलिए अपनी की हुई भूलों को सुधारना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यदि हमने वैदिक ज्ञान को नहीं फैलाया, सत्य को उद्घोष नहीं किया, तो मेल मिलाप के नाम पर हमने रूढ़िवादिता को भी प्रश्रय दिया। तो यही समझिए, एक वृक्ष को गिराने के लिए एक दीमक काफी होता है, एक दीमक हजार दीमकों को पैदा करता है। कैंसर का एक सेल्स बहुगुणित होकर के पूरे शरीर में फैलता है, फिर उसको बचाया नहीं जा सकता। इसलिए अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए आंख मूंद कर उस वैदिक उद्घोष को स्वीकार करना होगा। कृवंतो विश्वमार्यम, यही महर्षि दयानंद के प्रति श्रद्धा के सच्चे पुष्प हैं। और उनकी महिमा गाए तो बहुत समय लगेगा, समय का भाव है। मैंने कट बजा बातें कही होगी, मैं जानता हूँ मेरी बातें सबको अच्छी नहीं लगेगी होगी, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थना हूँ। लेकिन सत्य तो सत्य है, वह सत्य नहीं है जो
छिपा कर कहा जाए। इसलिए मारीच ने कहा था अपने मेरी बातों को शांति से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।